इंग्लैंड और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा दे। भारतीय पत्रकार ने नेपाल को एक मादर चो देश बोला। उसके बाद में नेपाल को मिसाइल फाइटर से उड़ा देने की बात भी कही है। और आगे देखिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के बारे में क्या बोला। नेपाल संबंधित सभी न्यूज को हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। चुटपुटिया देश नेपाल कहते हुए नेपाल को संबोधित किया भारतीय पत्रकार मनीष कश्यप ने। आगे वीडियो में आप देखेंगे कैसे भारतीय पत्रकार मनीष कश्यप ने नेपाल को एक चुटपुटिया जैसे शब्द से संबोधित किया है। वेल आपको बताते चले कि सिर्फ चुटपुटिया जैसे शब्द ही नहीं बल्कि नेपाल को मिसाइल फाइटर से उड़ाने की बात भी कहा है भारतीय पत्रकार मनीष कश्यप ने। पत्रकार यानी कि जर्नलिज्म ये एक ऐसा सम्मानित पद होता है जो देश का चौथा अंग होता है। कुछ व्यूज और टीआरपी के चक्कर में भारतीय पत्रकार मनीष कश्यप ने जो नेपाल के ऊपर निशाना साधते हुए अपने शब्दों में नेपाल को गालियां तक दिया है। वीडियो कंटिन्यूटी में देखिए मनीष कश्यप द्वारा दी गई नेपाल को गालियों से संबोधित की गई ये फुटेज। नेपाल की दादागिरी देखिए, ये छोटा सा देश साला नेपाल का इतना हिम्मत और हौसला कब से हो गया कि ये साला नेपाल जो है ये पूरा सामने दिख रहा है मोदी जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सामने जो दिख रहा है ना मोदी जी, ये पहाड़ ये हिंदुस्तान का पहाड़ है जिसपे नेपाल का कब्जा है। हम पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाने की बात करते हैं और ये साला टुटपुजिया नेपाल जो है, मोदी जी आदेश दो और साला उतारो यहाँ पे 100 भीष्म टैंक, 5 रफेल फाइटर और हमारा मिराज और सुखोई जो है उतार दो और चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा। वीडियो क्लिप में आपने देखा कैसे मनीष कश्यप नेपाल को गालियां देते हुए नजर आ रहा है। यह सिलसिला यही नहीं रुका, इस क्लिप को लोगों ने सोशल मीडिया पर जम के शेयर भी किया। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो जम के वायरल हुई। कुछ व्यूज और टीआरपी के चक्कर में वो अपने कर्तव्य को भूल गए और ऐसे ऐसे गालियां दी। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नेपाल को उड़ाने के लिए मिसाइल फाइटर लेने की बात की है। पर आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के बारे में क्या बोला, देखिए ये वीडियो क्लिप। हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा हो। किसी नेपाली ने शहादत न मोली हो। भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। भारत के लिए जीने मरने वाले उन बहादुर नेपालियों को मैं आज नमन करना चाहता हूं। भारत की सेना के फील्ड मार्शल एक बहुत बढ़िया बात बताते थे। वो कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। अगर गुरखा कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता मतलब सच्चाई है। ये बात वीडियो में आपने देखा नेपाल के बारे में नरेंद्र मोदी का क्या कहना था। इन सभी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनीष कश्यप ने कहीं न कहीं अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, अपने आप को टीआरपी लेने के लिए ऐसी अशब्द नेपाल के प्रति बोला है। जवाब देते हुए नेपाल के कुछ एक्टरों ने इसको जम के जवाब दिया और कुछ वीडियो क्लिप भी बनाई, देखिए ये वीडियो क्लिप। ये टुटपुजिया देश नेपाल। नमस्कार, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। अभी अभी देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो पत्रकार मनीष कश्यप का, अभी अभी देखा मैंने वो वीडियो। पहले ये वीडियो देख लीजिए, ये छोटा सा देश साला नेपाल, इसमें थोड़ा ही देखिए, दूसरे साइड पे आप देख सकते हैं। उसने ये साला शब्द से जो नेपाल को संबोधन किया है ये बिल्कुल ही गलत है। अब वो गलत कैसे हम बता रहे हैं आपको। हमारा ब्याह हुआ है बिहार में, अब बिहार में हमारा ब्याह हुआ है तो वो भी बिहार का है, तो ऐसे हम हुए उसका जीजा। लेकिन इस सरवा को जीजा और साला में फर्क नहीं लग रहा, और नेपाल का पूरा नेपाल को साला बोल दिया तो हम भी करते हैं। तो हम नेपाल से, तो हमारा सारा नेपाली भाई, तो हमारा भाई हुआ नेपाल का लोग है, तो नेपाल का सारा लोग हमारा भाई हुआ, तो नेपाल का सारा लोग तो इसका जीजा हुआ। लेकिन इस सरवा सफा बौर आ गया है, कुत्ता का मांस खा लिया है साला जानू। हम अभी अभी ससुर जी को फोन करके बतलाते, 4 घंटा पर लगवाते ससुर के कान पर हम।
पहले फोन करके आते हैं। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, नेपाल के एक्टरों द्वारा मनीष कश्यप को किस रूप में जवाब दिया। वेल, इन सबको देखते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह डायरेक्टली मनीष कश्यप ने नेपाल को गालियां दी है, वो कहीं ना कहीं मेरे नजरों में बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। अगर आप एक नेपाली हैं और नेपाल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या कहना है, आप नीचे कमेंट में कह सकते हैं। ऐसे ही नेपाल संबंधित सभी अपडेट्स के लिए सबसे पहले देखने के लिए प्लानिट नेपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। बाय बाय एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे।